जय जिनेंद्र, क्या आपको पता है वर्तमान के शासन नायक भगवान कौन है? भगवान महावीर। आज हम वर्तमान के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की कहानी सुनेंगे और आप सब भी एकदम ध्यान से सुनना। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मगध देश में कुंडलपुर नामक एक नगर था, जहां महाराज सिद्धार्थ का शासन था। वह शूरवीर होने के साथ साथ बहुत गंभीर और दयालु थे। उनकी मुख्य रानी का नाम था प्रियकारिणी, जिन्हें हम त्रिशला के नाम से जानते हैं। जब अच्युत स्वर्ग के इंद्र की आयु 6 महीने बाकी रह गई थी, तब से महाराज सिद्धार्थ के घर प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होने लगी। अनेक देवियां आकर माता त्रिशला की सेवा करने लगी और इन सब कारणों से महाराज को यह निश्चय हो गया कि अब हमारे नाथ वंश में किसी प्रभावशाली महापुरुष का जन्म होने वाला है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रानी त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे और स्वप्न देखने के बाद अपने मुंह में प्रवेश करते हुए एक हाथी को देखा। उसी समय उस अच्युत स्वर्ग के इंद्र ने पुष्पोत्तर विमान को छोड़कर रानी त्रिशला माँ के गर्भ में प्रवेश लिया। सुबह होते ही रानी ने महाराज सिद्धार्थ से उन सपनों का फल पूछा। फिर महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे गर्भ से 9 माह के बाद एक तीर्थंकर पुत्र का जन्म होगा। वह सारे संसार का कल्याण करेगा और लोगों को आत्महित में लगाएगा। राजा सिद्धार्थ के यह वचन सुनकर माता त्रिशला हर्ष के मारे फूली न समाई और उसी समय चारों निकाय के देवों ने आकर भावी तीर्थंकर महावीर के गर्भ कल्याणक का उत्सव किया और माता और पिता का उचित सत्कार किया। गर्भ के 9 माह के बाद चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रातः समय त्रिशला माँ के गर्भ से बालक वर्धमान का जन्म हुआ। उस समय अनेक शुभ शकुन हुए। चारों निकाय के देवों ने आकर जन्मोत्सव मनाया। उस दिन इंद्र ने बालक वर्धमान को मेरु पर्वत पर ले जाकर अति भक्तिवश जन्माभिषेक किया और वह नृत्य आदि नाटक आदि कार्यक्रम किए। देवराज ने उस बालक का नाम वर्धमान रखा। एक बार संजय और विजय नाम के 2 मुनिराजों को किसी तत्व संबंधी कोई शंका उत्पन्न हुई, परंतु मार्ग से गमन करते समय उनकी नजर बालक वर्धमान पर पड़ी और उनके दर्शन मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसीलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा कि यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है, अर्थात उन्होंने उनका नाम सन्मति रखा। जैसे जैसे बालक वर्धमान बड़े होने लगे, वह और मनमोहक होने लगे। जो भी उन्हें देखता उनका मन प्रसन्न हो जाता। कम समय में ही बालक वर्धमान को सारी विद्याएं अपने आप ही प्राप्त हो गईं। विद्वान होने के साथ साथ शूरता, वीरता और साहस में भी वह प्रसिद्ध होने लगे। किसी एक दिन इंद्र की सभा में देवों में यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर श्री वर्धमान स्वामी ही हैं। यह सुनकर एक संगम नाम का देव उनकी परीक्षा करने के लिए आया। आते ही उसने देखा कि बालक वर्धमान के साथ अन्य देव बालक का रूप धारण कर उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। यह देख संगम नाम का देव उन्हें डराने की इच्छा से किसी बड़े सांप का रूप धारण करके आया और वह वृक्ष के चारों ओर लिपट गया, जिसे देख अन्य सभी बालक इधर उधर भाग गए। परंतु बालक वर्धमान ने बड़ी वीरता से काम किया। उन्होंने उस महाभयानक सर्प को बड़े आराम से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। तब संगम देव ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और वर्धमान के बल एवं धैर्य की बारंबार प्रशंसा करते हुए उनका नाम वीर रखा। इस तरह बालक वर्धमान का नाम वीर पड़ा। एक बार एक हाथी पागल हो गया था। वह तोड़फोड़ करने लगा। सभी जन घबराकर इधर उधर भागने लगे, परंतु जैसे ही
बालक वर्धमान हाथी के सामने आए। वह हाथी स्वयं में भी शांत हो गया। उनकी इस परम वीरता से उनका नाम अतिवीर पड़ा। अब धीरे धीरे वह बड़े हो रहे थे। उनकी आयु के 30 वर्ष बीत गए थे। वह पूर्णतः गंभीर और राज्य कार्य संभालने लायक हो गए थे। तब उनके पिताजी और उनके बीच क्या संवाद होता है, आइए सुनते हैं। हे पुत्र, अब तुम राज कार्य संभालने लायक हो गए हो। मैं तुम्हारा विवाह कर तुम्हें राज्य सौंप कर दीक्षा लेना चाहता हूँ, अतः अब यह तुम संभालो। तब वर्धमान एकदम से गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, पिताजी माफ़ कीजिए, परंतु आपकी इस आज्ञा का पालन मुझसे न हो सकेगा। मेरी आयु कुल 72 वर्ष की है, जिसमें आज 30 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब अपना शेष जीवन मैं स्वरूप गुप्त होकर बिताना चाहता हूँ। पिताजी की अनेक हटों के बाद भी वह नहीं मानते और कहते हैं, पिताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं दीक्षा लेकर आत्मसाधना कर सकूं। जब पिता पुत्र का संवाद रानी तिशला के कानों में पड़ता है, वह पुत्र मोह से व्याकुल हो उठती हैं और कहती हैं कि मेरे लाल, तू शादी क्यों नहीं करता? वर्धमान ललना से कहे तृष्णा माता, लाल मेरे शादी क्यों ना रचाता। तब वर्धमान अपनी माँ को धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, बोले मुस्का के वीरा सुनो मेरी माए, बोले मुस्का के वीरा सुनो मेरी माए, कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई, शादियाँ रचाई फिर भी हो, शादियाँ रचाई फिर भी पाई नहीं साता, इसीलिए माता। तब माता कहती है, बेटा तेरी बात सच्ची है, परंतु अभी तेरी युवावस्था है, इसलिए विवाह करके गृहस्थ आश्रम चलाओ, फिर संसार छोड़कर धर्म तीर्थ चलाना। तुमसे पहले ऋषभ आदि तीर्थंकर हुए, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। इस पर वर्धमान क्या उत्तर देते हैं, आइए वह सुनते हैं। बोले मुस्का के वीरा जगत के सहारे, बोले मुस्का के वीरा जगत के सहारे, नेमिनाथ सच्चे हैं साथी हमारे, उन्मुख प्राणियों को हो, उन्मुख प्राणियों को रुदन है बुलाता, इसीलिए माता। सुनो मैया तुमका बन के पुजारी, तोड़ूंगा कर्मों की जंजीर सारी, राजपाट वैभव ये हो, राजपाट वैभव ये कुछ ना सुहाता, इसीलिए माता। बस फिर अपने पुत्र की दृढ़ता को भली भांति जानने वाले माता पिता इससे आगे और कुछ नहीं कहते और अपना चित्त दृढ़ करके उन्हें दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं। फिर वह संसार की परिस्थितियों का अच्छी तरह से विचार कर दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय करते हैं और माता पिता से आज्ञा मांग वन की ओर चल देते हैं। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में, चल दिए वीर कुमार परिग्रह की चिंता को छोड़ के निज के चिंतन में, रम रहे वीर कुमार, रम रहे वीर कुमार, चल दिए वीर कुमार।
जिनका दीक्षा कल्याणक मनाने देव भी जय घोष करते हुए वहां पधारते हैं और वहां हस्त नक्षत्र में कुमार वर्धमान ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर समस्त वस्त्राभूषण का त्याग कर पंचमुष्ठी से अपने केशों को उखाड़ कर आत्मध्यान में लीन हो जाते हैं। इस तरह 12 वर्ष मुनि अवस्था में व्यतीत कर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन शुक्ल ध्यान के प्रताप से घातिया कर्मों का क्षय कर वह केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तभी इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर समवशरण की रचना करते हैं और भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाते हैं।